हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। किसी महान पुरुष ने ये कहा है कि अगर किसी काम की शुरुआत हम नहीं करते तो उस काम में जीतने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। ओनली आईएएस की तरफ से कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, नई शुरुआत की जा रही है इस नए साल में, जिससे कि आप सबके जीतने की संभावना बढ़ सके। यहां पर एक क्वेश्चन हमारे सबके दिमाग में आता है कि आखिर ये सक्सेस, ये जीत जो है, ये कैसे मिलता है या फिर इसके लिए कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। इससे रिलेटेड एक छोटी सी कहानी है, मात्र आपका एक मिनट लूंगा मैं, उसको जल्दी से सुनाऊंगा मैं आपको। एक बार क्या होता है कि एक छोटा सा बालक बहुत ही दुविधा में रहता है। अपने अध्यापक से वो पूछता है छुट्टी के समय में कि सर, ये सक्सेस पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उनके सर ने बोला कि भाई, इसके लिए तो आपको कल सुबह नदी के पास में मुझसे मिलना पड़ेगा। तो बोला बालक, ठीक है, बिल्कुल मिलेंगे। प्रातःकाल में ये दोनों लोग मिलते हैं नदी के किनारे और मास्टर साहब इनका क्या करते हैं कि इनको ले जाते हैं पानी के अंदर। अब पानी के अंदर तब तक ले जाते हैं जब तक ये छोटा बालक, इसके आंख या फिर इसके नाक और मुंह तक पानी ना पहुंच जाए। और वहां पर जैसे ही पहुंचते हैं तो इनके मास्टर साहब इनको पानी के अंदर ढकेल देते हैं बहुत तेजी से नीचे। अब वो बिल्कुल तड़पता है, बिल्कुल परेशान होता है और अंत में उसको कुछ नहीं समझ में आता है। तो वो किसी तरीके से मास्टर जी के हाथ को बिल्कुल काटते हुए जल्दी से बाहर आ जाता है। उसको समझ ही नहीं आता आखिरकार हुआ क्या है, मास्टर साहब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो पूछता है कि ये क्या है। मास्टर साहब ने उल्टा उससे पूछा कि भाई, एक बात बताओ कि यहां पर जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें सबसे जरूरी चीज क्या थी जिसके लिए तुम परेशान थे। तो उस बालक का जवाब था कि मुझे एयर चाहिए थी, हवा चाहिए थी सांस लेने के लिए। तो बोले, जितनी मेहनत तुमने इस हवा पाने के लिए की है और तुम अभी जिंदा हो, उतना ही मेहनत तुम्हें सक्सेस पाने के लिए भी करनी पड़ेगी। और बीइंग एन यूपीएससी एस्पिरेंट, हमारे लिए सक्सेस पाना क्या है ये आप सभी को पता है, और आपको कितनी मेहनत करनी है अब इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। ओनली आईएएस की तरफ से कुछ नए इनिशिएटिव्स हैं जो कि न्यू ईयर में, मतलब कि 1 जनवरी 2021 से लॉन्च हो रहे हैं। इसमें बेसिकली दो बैचेस की बात हम करेंगे जो कि हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए डायरेक्टेड है। यहां पर बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स प्रिपरेशन स्टार्ट तो कर देते हैं बट एट द मिड, मतलब कि ये जो मिड सिचुएशन है, ये दिसंबर का पीरियड है, जनवरी का पीरियड है, ये ऐसा एक बीच का घड़ी है जिसमें वो डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए जिससे कि हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 को क्लियर कर सके। यहां पर उस सपोर्ट को फुलफिल करने के लिए ये दो बैचेस बनाए गए हैं। दो अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, एक वो जिनको फुल सपोर्ट चाहिए होता है, ऐसा सपोर्ट जो कि उनके प्रीलिम्स में एक कॉम्प्रिहेंसिव रोल प्ले कर सके। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स 2021 स्पेशल बैच है, CPSB। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी तो कर ली है लेकिन उनका रिवीजन या फिर टाइम शेड्यूल इस हिसाब से नहीं बन पाता है, जिससे वो प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं और उनको एक ऐसे गाइडेंस प्रोग्राम की जरूरत होती है जिसके अंतर्गत उनको बहुत सारी चीजें मिलेगी लेकिन साथ ही साथ उनका डिसिप्लिन मेंटेन हो सके। यहां पर प्रीलिम्स 2021 सुपरसोनिक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम आता है। सबसे पहले इन दोनों बैचेस पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों के दोनों बैचेस 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट होंगे और जो भी इंग्लिश और हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उन दोनों लोगों के लिए ये दोनों बैचेस हैं। तो ये बिल्कुल निश्चिंत होकर आप ये पूरा वीडियो अंत तक जरूर से देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि यूपीएससी 2021 का ये जो गोल है, इसके तरफ हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। यहां पर एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा नजरिया बहुत सही होना चाहिए। मतलब कि एक छोटा सा बच्चा ट्रेन के बाहर झांकते हुए अपने पिता से बोलता है कि पिताजी, ये तो सारे पेड़ पीछे जा रहे हैं। तो पिताजी उसके समझाते हैं कि भाई, पेड़ पीछे नहीं जा रहा है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो एक विजन है हमारा कि हम कितने लिमिटेड विंडो से अपने गोल की तरफ देख पाते हैं, वो निर्धारित करता है कि हम यूपीएससी 2021 के फाइनल लिस्ट में अपना नाम बना पाएंगे या नहीं। बट फिलहाल मुझे लगता है कि आप लोग इनफ रेशनल हैं और इनफ प्रिपेयर्ड हैं इस बात को समझने के लिए कि यूपीएससी 2021 की तरफ से हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात आती है कि अभी कोर्स ज्वाइन ही क्यों करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो 5 से 6 महीने का टाइम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इसको बहुत जुडिशियसली यूज करना पड़ता है। हमारे लिए ऐसा भी हो सकता है कि हम एक मिनट का लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहां पर जब इतना कड़ा टफ कॉम्पिटिशन है, इस टफ कॉम्पिटिशन में एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, गाइडेंस प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है, कभी कभी मेंटर्स की जरूरत पड़ती है जो कि इनफ एक्सपीरियंस्ड हैं इस फील्ड में, जिन्होंने इस एग्जाम को ऑलरेडी दिया हुआ है, क्लियर किया हुआ है, और साथ ही साथ वो आपको एक बेहतर तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। अपनी गलतियों के थ्रू वो आपको समझा सकते हैं कि उन गलतियों को आपको रिपीट नहीं करना है, और साथ ही साथ उनका एक्सपीरियंस इस दायरे में भी आता है कि वो आपको समझा सकें कि यहां पर क्या क्या करने की जरूरत है। टाइम कम है और इसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, इसीलिए ये जो लिमिटेड टाइम पीरियड है इसको फुली यूटिलाइज करने के लिए ये कोर्स अभी के लिए सबसे पर्याप्त है और सबसे करेक्ट टाइम है इस कोर्स को ज्वाइन करने का। अगर अभी से आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो ये अनसर्टेनिटी जो हमारे मन में रहती है ना कि पता नहीं यूपीएससी क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, जो दुविधाएं हैं ये बिल्कुल से हट जाती हैं और आप बिल्कुल एक मेंटर के ऊपर डिपेंडेंट होके, जो इनफ एक्सपीरियंस है, आप उसके ऊपर फुली डिपेंडेंट होके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, अपनी डिसिप्लिन को प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। यहां पर सिस्टमेटिक कंप्लीशन की बात हो रही है कि हम बहुत बार कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स छोड़ देते हैं, पता नहीं चलता क्या इंपॉर्टेंट है जिसको पढ़ना है, और कभी कभी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी हम पढ़ लेते हैं जो कि यूपीएससी के लिहाज से इस टाइम पर ऑब्सोलीट हो चुके हैं या फिर यूपीएससी उनसे क्वेश्चंस नहीं बनाती है। इन सब दुविधाओं से दूर अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करते हो तो ये सारे सपोर्ट्स आपको डेफिनेटली मिलते हैं। साथ ही साथ एक क्वेश्चन जो मैं हर बार डिस्कस करता हूं कि ओनली आईएएस ही क्यों, क्योंकि ओनली आईएएस ऑलरेडी बहुत सारे टॉपर्स ने रिकमेंड किया हुआ है। इन सभी के वीडियोस आप लोगों ने डेफिनेटली देखे होंगे, ऑल इंडिया रैंक 13, 22, ऐसे करके बहुत सारे टॉप 100 रैंकर्स हैं जिन्होंने ओनली आईएएस को रिकमेंड किया ही है। साथ ही साथ हमारा एक्सपीरियंस जो पिछले 2-3 सालों में 4 सालों में हमें मिला है उससे बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज आए हैं और उन रिव्यूज के ऊपर, उन फीडबैक्स के ऊपर हमने काम करके कुछ स्पेशल बैचेस की डिजाइनिंग की है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है और हमें बताया है कि हाँ कोर्स अच्छा है, सच में प्रॉफिट हुआ है उनका, तो उससे भी हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड भी होता है और प्लस हम एक और नए स्टेप और एक अच्छे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ओनली आईएएस अपने आप में एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जहां पर आपके सभी जरूरतों की पूर्ति हो जाती है। जैसे कि एक फिजिबल प्लान की जरूरत होती है कि भाई ये जो 5 से 6 महीने हैं हमारे जनवरी से लेके जून तक के, ये J2J का मंथ जो है ना, इसमें एक प्लान और शेड्यूल की बात होती है। तो हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें कि हमारा सब कुछ कवर हो जाए, रिविजन्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट जितनी जरूरत है उन सब की तैयारी हम कर लें, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि कहाँ से पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, वो सारी चीजें। साथ ही साथ हमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, प्रैक्टिस मतलब कि प्रॉपर टेस्ट कीपर। अब यहां पर ये प्रैक्टिस हमें ये बताता है कि हमें जितनी भी गलतियां करनी है ना वो 27 जून वाले एग्जाम के पहले कर लेनी है, उसके बाद या फिर इस दिन अगर हम गलती करते हैं तो हमें बहुत बड़ा लॉस होगा और इस लॉस को हम झेल भी नहीं पाएंगे। इसलिए जो गलतियां करनी है उससे सीख लेने बहुत जरूरी है और उसके पहले खूब सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओनली आईएएस में एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ये जो कॉम्प्रिहेंसिव की हम बात कर रहे थे ना, यहाँ पर 500 प्लस आवर्स के लेक्चर्स हैं, जो हम पहला बैच कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स 2021 स्पेशल बैच ही बात कर रहे थे, ये उसका एक क्लैरिफिकेशन है। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोगों ने मैक्सिमम सोर्सेस कवर करने की कोशिश की है जो कि आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरफ इशारा करती है, ऑल इंक्लूसिव बैच की तरफ इशारा करती है। यहाँ पर आपके मन में जितने भी डाउट्स आते हैं वो हर वीडियो के नीचे एक डाउट सॉल्विंग पेज हमने अटैच कर रखा है, डिस्कशन पेज अटैच कर रखा है। आपके जो भी डाउट्स आते हैं आप तुरंत उसको पूछते हैं और हमारा जो डाउट सॉल्विंग टीम है उसमें प्रॉपर रिप्लाई करता है। साथ ही साथ यहाँ पर कभी भी पूरे लाइफ में आपके कभी भी कोई प्रॉब्लम आता है, डीमोटिवेशन आता है एग्जाम से रिलेटेड, बहुत बार होते हैं, हमारे फैमिली प्रेशर्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल में कुछ इश्यूज होते हैं, हमारे खुद के कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं, उन सब जगहों पर अगर कोई भी इश्यूज आते हैं तो हम पर्सनल गाइडेंस देने के लिए भी तैयार हैं। आपको किसी भी चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है, कोई टॉपिक कोई सब्जेक्ट, उसके लिए भी आप यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं, साथ ही साथ वो डिस्कशन पेज का भी यूज कर सकते हैं। कोर्स का टाइमली कंप्लीशन और कॉस्ट जो कि स्टूडेंट पॉकेट फ्रेंडली हो, इन सब डायरेक्शंस में हमने एफर्ट किया हुआ है। बहुत बार ऐसा होता है कि रिमोट एरियाज में या फिर बहुत
दूर दराज के गांव में, या फिर जो कि फाइनेंशियली वेल ऑफ स्टूडेंट्स नहीं है, उनके पास लैपटॉप ये सारी चीजें नहीं होती हैं, बट मोबाइल एक ऐसा गैजेट है जो कि आजकल हर जेब में पाया जाता है। तो इसीलिए जो भी हमारा ये कोर्स होगा ये मल्टी डिवाइस फ्रेंडली होगा। आप चाहे लैपटॉप में देखिए, आप डेस्कटॉप पे देखिए, टैबलेट पर देखिए, या फिर फोन में देखिए, हर जगह चलता है। बशर्ते एक बात का ध्यान रहे कि जो भी एप्पल के गैजेट्स हैं, स्पेशली आईफोन, वहां पर ये कोर्स नहीं प्ले होंगे। दूसरी चीज ये कि जो टैबलेट्स हैं और जो आईपैड्स होते हैं, या फिर जो हमारे मैकबुक होते हैं, वहां पर सिलेक्टेड मॉडल्स में ये प्ले हो जाते हैं। तो आप जब भी इस कोर्स को इन डिवाइसेस के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करें, तो आप एक बार इनके ट्रायल वीडियोस को जरूर से प्ले करके देख लें। अगर ये प्ले हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इन कोर्सेज को डेफिनेटली एक्सेस कर पाएंगे। इसके बाद एक बार डिस्कशन करते हैं कि इस पूरे स्पेशल बैच में हमें क्या क्या मिलेगा। तो ये जो हमारे 7 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो कि प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। जैसे कि इंडियन पॉलिटी है, जिसमें आर्टिकल्स, केसेस और बेसिक टर्मिनोलॉजी से लैश ये पूरा सीरीज चलेगा। ज्योग्राफी में हम खूब सारे एनिमेशंस और मैप्स का यूज करेंगे और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर फोकस करेंगे। ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। साइंस एंड टेक भी कुछ इसी हिसाब से चलता है। यहां पर भी एनिमेशन का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। आर्ट एंड कल्चर में हमें स्पेशल फोकस करना होता है एक टाइमलाइन पर, और ध्यान देना होता है कि हम मल्टीपल स्टेजेस में कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, जिससे कि हमें मैक्सिमम चीजें याद हो सकें। तो इस तरीके से यहां पर डिस्कशन किया जाएगा। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट ए स्टोरी, तो इसीलिए एक कहानी की तरह हिस्ट्री को हम समझेंगे। डिफरेंट वर्ड्स में क्या रिलेशन थे उन पे भी हम फोकस करेंगे। इकोनॉमी, आपको पता है कि हमारे डेली लाइफ एग्जाम्पल्स के बिना अधूरी है, तो इसीलिए इकोनॉमी को समझाते समय हमने पूरा ध्यान रखा है कि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जितने भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इस इकोनॉमी के कोर पोर्शंस को समझने के लिए, उन सभी का इस्तेमाल किया जाए। और फाइनली इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, जो कि यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट धीरे धीरे बनता जा रहा है और इसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, इसके लिए हमने स्पेशल फोकस किया है उन एरियाज पर जिसे यूपीएससी क्वेश्चंस बनाने जा रहा है या फिर अभी पिछले कुछ सालों में बना रहा है। यहां पर कुछ मार्क्स बूस्टर टॉपिक्स आते हैं। ये कुछ लेटेस्ट एडिशंस हैं जिसमें यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है, और सबसे बड़ी बात है कि हम इनको छोड़ के भी जाते हैं। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया ईयरबुक से कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली रहते हैं, तो उनको इस हिसाब से कवर करना कि आपका बहुत ज्यादा टाइम भी ना जाए, लेकिन साथ ही साथ आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि आपका इंडिया ईयरबुक पढ़ा हुआ है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस, इकोनॉमिक सर्वे ऑन बजट, ये दोनों एक ऐसा चीज है जो कि इकोनॉमी वाले क्वेश्चन का एक मेजर पोर्शन बनाता है। मैप की प्रैक्टिस, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के चैप्टर्स, ट्राइब्स जो भी इंपॉर्टेंट है, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस पूरे एग्जाम का, प्रीलिम्स एग्जाम का, वो है सीसैट, एक बड़ा खतरनाक राक्षस। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों को निगल लिया है। ऐसे बहुत सारे इवन इंजीनियर्स भी हैं जो कि सीसैट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने ये फोकस किया है कि भाई हमें 80 में से 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मतलब कि हमें अप्रोक्सीमेटली 33% लेके आना है। इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, बस इतना ही मुद्दा होना चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि आर्ट साइड से हैं या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, जिनका मैथ वाला पोर्शन थोड़ा वीक है, या फिर उन्होंने बहुत दिन से ध्यान नहीं दिया इस पोर्शन पे, अपने पूरे ग्रेजुएशन में स्कूल टाइम में पढ़ा है बट अब याद नहीं है, और चूंकि सीसैट का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है तो इस चीज को भी टैकल करने के लिए हर संडे को सीसैट के लेक्चर्स आपको मिलेंगे। तो संडे में आपको करना क्या है, आपको केवल सीसैट वाला क्वेश्चन या फिर पूरा वीडियो देखना है, और साथ ही साथ आपको उस पूरे वीक में जितने भी पोर्शन डिस्कस किए गए हैं उसका छोटा सा एक टेस्ट दे देना है। ठीक है, एक बार रफली शेड्यूल डिस्कस करता हूं मैं कि जनवरी में हम लोग इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एंशियंट हिस्ट्री के साथ अप्रोक्सीमेटली 4 आवर्स पर डे पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 4 आवर्स पर डे कोई फिक्स नहीं है, इन लेक्चर्स में टाइम बाउंडेशन नहीं है, आप जब भी जागेंगे तब ये लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे क्योंकि ये रात में ही अपडेट हो जाते हैं। हर दिन का एक प्रॉपर शेड्यूल होगा जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर साइट पर आप जाएंगे जहां पर अभी मैं आपको बता रहा हूं वहां पर से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो पूरा शेड्यूल है ये एक टेंटेटिव शेड्यूल है, इसमें बहुत माइनर चेंजेस होने की संभावना भी है। फरवरी मंथ में इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी कंटिन्यू तो रहेगा ही रहेगा।
एंशियंट हिस्ट्री फेब्रुवरी के 2-3 दिन चलेगा, उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, तो हम मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। यहां पर जब हम ज्योग्राफी के इतने और इतने लेक्चर्स पढ़ चुके होंगे मंडे टू सैटरडे में, यहां पर ज्योग्राफी के कुछ ही लेक्चर्स बचेंगे, इसीलिए उसको कंपेंसेट करने के लिए हम लोग इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट कर देंगे। इसी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री को बीच में ही खत्म होने की वजह से हम साइंस एंड टेक स्टार्ट कर देंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के भी कुछ लेक्चर्स हम स्टार्ट कर देंगे। इस बात का पूरा ध्यान देंगे कि जो 4 आवर्स पर डे का शेड्यूल है वो मेंटेन रहे। यहाँ पर इंडियन पॉलिटी एक बार वापस से आता है। इंडियन पॉलिटी इतना लेंथी चलने का ये भी बात है क्योंकि इंडियन पॉलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसे यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करती है, और हर साल क्वेश्चन आते हैं, एक कंसिडरेबल अमाउंट में पॉलिटी से क्वेश्चन आते ही हैं। इसके साथ साथ यहाँ से स्टार्ट होता है इंडियन इकोनॉमी के, बहुत थोड़े से लेक्चर्स यहाँ पर थे, मेजरली कंट्रीब्यूट होंगे अप्रैल मंथ में। अब चूंकि इस मई मंथ में बाकी चीजें आर्ट एंड कल्चर वगैरह भी स्टार्ट हो गए, एंड होगा, और इन्वायरमेंट इकोलॉजी साइंस एंड टेक के जो भी रिमेनिंग लेक्चर्स हैं वो भी यहाँ पर खत्म हो जाएंगे, तो अप्रैल मंथ तक आते आते हमारे मोटे मोटे ये जो 7 सब्जेक्ट हमने डिस्कस किए थे वो खत्म होने की कगार पर रहेंगे। कुछ एक सब्जेक्ट लाइक इंडियन इकोनॉमी ही बचा होगा हमारे मई मंथ के लिए। अब यहाँ पर हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो कि हमारे लिए मार्क्स बूस्टर का काम करते हैं, उनकी तैयारी हम करेंगे मई मंथ में। इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया ईयर बुक, गवर्नमेंट स्कीम, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, इनकी बात करेंगे। और जून मंथ में आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजन, रिविजन और रिविजन ही करना है, ठीक है? खूब सारा रिविजन करेंगे जून मंथ में, जिसके बेसिस पर हम कुछ मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, और इन मॉक टेस्ट के बेसिस पर जितनी गलतियां करनी है वो सारी गलतियां भी कर देंगे, और एग्जामिनेशन हॉल में उन सारी गलतियों को छोड़ के एक बेहतर वर्जन हमारा जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में, और पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा फाइनल लिस्ट में प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए नाम हो जाए। अब ये जो स्पेशल बैच है, ये अभी तक का जो भी डिस्कशन है ना, ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स 2021 स्पेशल बैच CPSB के लिए किया जा रहा था। तो CPSB के लिए आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है video.onlyias.in पर, ठीक है? सिंपल सा है, यहाँ पर जाना है और आपको सबसे पहले नंबर पर ही ये CPSB बैच दिख जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रायल वीडियोस भी मिल जाएंगे आपको, आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको थोड़ा सा हो सकता है साइन अप करने की कोशिश करिएगा, साइन अप करने पड़ेंगे यहाँ पर, अगर आप पहली बार यहाँ पर विजिट कर रहे हैं तो साइन अप करिएगा, और सिंपली आप उन ट्रायल वीडियोस को देख सकते हैं, क्वालिटीज एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद अगर क्वालिटी की और भी बात है तो हम आगे आने वाले टाइम पर यूट्यूब पर और भी कुछ लेक्चर्स हम पब्लिश करेंगे। अब बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है सुपरसोनिक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम हमारे प्रीलिम्स 2021 के लिए। ये भी 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो रहा है। इसमें ओवरऑल हमने ये कोशिश की है कि हम एक 5 महीने का लंबा चौड़ा एक प्लान आपको देते हैं। केवल इसमें टेस्ट सीरीज की बात हो रही है, लेकिन टेस्ट सीरीज के साथ साथ हमने इसमें प्रोग्राम वर्ड जो इसलिए ऐड किया है क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हैं। वो कॉम्पोनेंट्स क्या हैं उनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। फिलहाल अगर आपको इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना है तो इसके लिए आपको dpp.onlyias.in पर जाना पड़ेगा, या फिर गूगल प्ले स्टोर पर आप सर्च करेंगे ओनली आईएएस डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम वाला एक ऐप है, आप इसके थ्रू भी इस पूरे कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहां देखिए, एक और ओनली आईएएस का बैच है, या फिर एप्लीकेशन है सॉरी। ये जो ओनली आईएएस का कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन के नाम से एप्लीकेशन है, वो कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन कौन सा बैच होगा जो हमने इसके पहले डिस्कस किया, मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स 2021 स्पेशल बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है अपने गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आपको टेस्ट सीरीज वाला मतलब कि ये सुपरसोनिक बैच अगर ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। दोनों के लिए सेपरेट एप्लीकेशन अवेलेबल है। यहां पर सबसे पहला, एक तो इस प्रोग्राम के अंदर क्या मिल रहा है, हमें 5 महीने का लंबा स्टडी प्लान मिल रहा है जिसको हमें रिगरसली फॉलो करना है। इसके थ्रू हमारा इंटायर सिलेबस अलोंग विथ रिवीजन कवर किया जाएगा। इसके अलावा यहां पर मिलता है हमें फाइनल वन डे टेस्ट। फाइनल वन डे टेस्ट जो है ना वो आपके हर तीसरे दिन आएगा, मतलब कि 1 जनवरी को आएगा, फिर हर तीसरे दिन मतलब कि आपको फिर मिलेंगे 3 जनवरी को, एक सॉरी 4 जनवरी को, फिर इसके बाद कब मिलेगा आपको 7 जनवरी को, फिर आपको 10 जनवरी को। इस तरीके से हर तीसरे दिन आपको एक फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा। यूजुअली होता क्या है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई जब एग्जाम पास आने लगे 1 महीने बचे
तो रोज के रोज एक फुल लेंथ टेस्ट लगा लो, अंत तक आते आते 25-30 टेस्ट आपके लग जाएंगे और आप सारी गलतियां निकाल सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है ना कि लास्ट के क्षण में हमें समझ में नहीं आता कि भैया पहले हम रिवीजन कर लें या फिर हम टेस्ट दे लें, बहुत कंफ्यूजन होती है। इसीलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम अभी से लग जाएं इस चीज में, और अभी हर तीसरे दिन एक फुल लेंथ टेस्ट ही तो लगाने हैं। मतलब कि अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो पर डे 33 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कंपेरेटिवली काफी इजी है। उस लेवल पर जब हम फाइनल में इस उधेड़ बुन में लगे रहेंगे कि हमें रिविजन करना है या फिर टेस्ट लगाना है, तो एक पूरा शेड्यूल मिलेगा आपको। इस शेड्यूल में बताना है, मतलब आपको ये देखना है कि 3 दिन का शेड्यूल क्या है, उस 3 दिन के हिसाब से आपको पढ़ना है और तीसरे दिन ये फुल लेंथ टेस्ट देना है। लेकिन यहां पर बात खत्म नहीं होती। हमें पता है कि आपके बहुत सारे ऐसे जोन हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि वीक, आप चाहते हैं उनमें एक्स्ट्रा फोकस करना, उनके लिए हम ये नेट प्रैक्टिस एमसीक्यू टॉपिक वाइज अलग से आपको प्रोवाइड करेंगे। इसमें हर टॉपिक का आपको अलग अलग 4,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ नेट प्रैक्टिस के लिए। मतलब कि आपको सिंपली प्रैक्टिस करना है, जरूरी नहीं है कि ये सारे क्वेश्चंस लगाए जाएं, क्योंकि ऑलरेडी क्योंकि हम 50 टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं तो हम 5,000 क्वेश्चंस तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर ही रहे हैं। ये तो 4,000 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हैं, अभी और भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, मैं यहां पर भी एंड नहीं है ये। तो यहां पर 4,000 एक्स्ट्रा नेट प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि जिसको जो भी अपना वीक एरियाज लगे उनमें और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता है, अंधाधुंध प्रैक्टिस कर सकता है। यहां पर जो भी हम टेस्ट 50 टेस्ट हम दे रहे हैं ना, उसका एक रिविजन होगा वीडियो सॉल्यूशन की मदद से। ये वीडियो सॉल्यूशन आपको हेल्प करेगा कि अगर आपने कुछ भी चीज छोड़ रखी है तो उसको और बेहतर तरीके से समझ सके। साथ ही साथ आपका एक और रिविजन होगा, ये रिविजन इस तरीके से होगा कि आपने 5 टेस्ट दिए 15 दिनों में, तो ये जो छठवां टेस्ट होगा आपका वो एक प्रकार से रिविजन टेस्ट जाएगा पिछले 5 टेस्ट का। मतलब कि 15 दिन में जो भी चीजें पढ़ी गई हैं वो अगले 3 दिन में रिवाइज करनी है। ये बेस्ट ऑप्शन है आपके रिविजन का, तो इसीलिए रिविजन का पूरा ख्याल रखा गया है इसमें। फिर इसके बाद आपको मिलता है एनसीईआरटी का पूरा वीडियो सीरीज। बोला जाता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए आपको एनसीईआरटी बेसिक्स सब कुछ पता होना चाहिए। तो आप चाहे, अगर टाइम की पॉसिटी है, आपके पास कमी है, तो आप क्या कर सकते हैं कि सिलेक्टेड चैप्टर्स ही देख सकते हैं। अगर नहीं तो आप आराम से पूरे वीडियोस को भी देख सकते हैं अगर टाइम अलाउ करता है तो। तो एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे वीडियोस आपको इस प्रोग्राम के अंतर्गत मिलेंगे सुपरसोनिक बैच के अंदर। यहां पर एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, मतलब कि 42 प्लस कोच ट्रेनिंग बुक वाइज टेस्ट मिलेंगी आपको। फॉर एग्जाम्पल आर हिस्ट्री या फिर आर पास्ट करके किताब आती है एनसीईआरटी की, तो आर पास्ट का आपको एक, मान लीजिए आर पास्ट 1 है, इसके 2-3 किताबें आती हैं, तो हिस्ट्री की ये जो आर पास्ट है फर्स्ट पार्ट का आपको अलग से टेस्ट मिलेगा। ठीक है, उसमें जितने प्रोबेबल क्वेश्चन हो पाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चन के आसपास होंगे अगर, तो आपको वो सॉल्व करना है। वंस दिस बुक इज डन, आपको केवल और केवल इस क्वेश्चन सीरीज पर पार्ट लेना है। ऐसा भी हो सकता है कि हमने चूंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बुक के कवर किए हैं, तो अगर कभी भी आप फेल होते हो कि हम तो ये वाला किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप सिंपली उसका टेस्ट सॉल्व कर लो। तो ये आपका टाइम भी सेव करेगा, साथ ही साथ आपको कॉन्फिडेंस भी देगा कि मैंने एनसीईआरटी का ये वाला बुक भी पढ़ लिया है। यहां पर इसके अलावा भी इस सुपरसोनिक प्रोग्राम में क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ प्रीलिम्स के लिए बल्कि मेंस के भी स्टडी मटेरियल आपको इस प्रोग्राम में मिल जाएंगे। और ये जो मटेरियल है ये कोई नॉर्मल मटेरियल नहीं है, बहुत स्पेशल मटेरियल है जो कि हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके इसको बनाया है, अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं लाइक आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट, इन ज्योग्राफी, ऐसी किताबें जो कि मार्केट में कभी भी सिंगल फॉर्म में नहीं मिलती हैं, बट हमें पढ़ना तो रहता है, उन लोगों के लिए ये सॉल्यूशन बहुत ही बेहतर होगा। इसके अलावा आपको ओवर आर्किंग एक्सप्लेनेशन मिलते हैं हर क्वेश्चन में। बहुत बार हम क्या करते हैं ना, पढ़ते तो हैं बट कॉन्सेप्ट उतने क्लियर नहीं होते, हमारे छूट जाते हैं कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप क्वेश्चन गलत करेंगे या फिर जब बाद में अपने क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर रहे होंगे, तो उस एक्सप्लेनेशन में आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हुए दिखाई दे सकते हैं। दूसरा, आप इसके अलावा और क्या पाते हैं, जब आप एक बार टेस्ट सबमिट करते हैं ना, तो आपको खूब बढ़िया एनालिटिक्स मिलता है। एनालिटिक्स इन द सेंस कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं, कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से सही हुए हैं, ये भी बताता है कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हैं, किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग है, आपको किस सब्जेक्ट पे कितना एफर्ट करना है, साथ ही साथ आपकी ओवरऑल ऑल इंडिया रैंकिंग कितनी है, आपका परफॉर्मेंस पिछले टेस्ट के हिसाब से कैसा है, जो आपके
ऊपर और नीचे एस्पिरेंट्स हैं जो कि इस टेस्ट को दे रहे हैं उनके साथ आपका कंपैरिजन होगा, टॉपर्स के साथ भी आपका कंपैरिजन होगा कि आप अपनी लिस्ट में नेक्स्ट स्टेप में पहुंचने के लिए क्या करेंगे और टॉपर से भिड़ने के लिए क्या करेंगे। और एक लीडर बोर्ड मिलता है, इस लीडर बोर्ड में जो टॉप रैंकर्स होते हैं हमेशा के लिए या फिर उस वीक के लिए उस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए वो सब चीजें भी मिलती हैं। तो आपको ये सब पुश करते हैं कि भाई मुझे इस लीडर बोर्ड में अपना नाम लेके आना है। एनी हाउ इस लीडर बोर्ड में नाम आने का मतलब ये है कि हम यूपीएससी की तरफ एक स्टेप और आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट एनालिटिक्स भी मिलता है। इसके अलावा आपको मल्टीपल टेस्ट अटेम्प्ट्स मिलते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी एक टेस्ट को देते हैं, आपके उसमें से 20 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आप चाहते हैं कि यही 20 क्वेश्चन मुझे वापस से मिल जाएं, तो ऐसे भी प्रोविजंस यहाँ पर दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रहे कि जो ऑल इंडिया रैंक आपको मिलेगा ना वो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट से ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसमें पहले 50 क्वेश्चन सही हुए, नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपने 80-90 क्वेश्चन सही कर लिए तो आपकी ऑल इंडिया रैंक इंप्रूव हो जाए, नहीं, क्योंकि पहला अटेम्प्ट ही आपका काउंट किया जाएगा। इसके बाद आपको मिलता है फ्लेक्सिबल टेस्ट अटेम्प्ट। आप एक बार टेस्ट देते हैं, बीच में कुछ काम आता है, आप छोड़ देते हैं, लगता है कि अभी ये काम करके आते हैं, बैठते हैं, फिर देते हैं, या फिर आप बोर हो गए, लगता है कि अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है, बाद में बैठ के फिर से टेस्ट को सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप बीच में इसको पॉज कर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं, जब रिज्यूम करेंगे आप टेस्ट को फिर से वहीं से स्टार्ट होगा। इस पूरे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए ऐसा मैंने शुरुआत में ही बताया था कि आपको dpp.onlyias.in पर विजिट करना है, ठीक है। दोनों बहुत सिंपल है। वो हमारा स्पेशल बैच जो है कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो सॉल्यूशन वाला, उसके लिए आपको video.onlyias.in पर जाना था, और ये जो सुपरसोनिक टेस्ट सीरीज वाला प्रोग्राम था उसके लिए dpp.onlyias.in पर जाना था। आखिरी बात आती है इस प्राइसिंग की, पॉकेट फ्रेंडली प्राइसिंग है इन सभी चीजों के लिए। जो भी कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स स्पेशल बैच है उसकी कॉस्टिंग है 16,000 प्लस 18% GST, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आता है 18,880 रुपए के आसपास। इसमें चूंकि वीडियो सॉल्यूशंस बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किए गए हैं, इसमें छोटे छोटे टेस्ट सीरीज भी मिलते हैं, इसीलिए इसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि इन सभी कॉस्ट को आप मार्केट में एनालाइज करते हैं तो ये 80,000 इवन लैक्स में भी आते हैं, बट हमने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि लास्ट मोमेंट में ऐसा ना लगे आपको कि इतना तो पे नहीं कर सकते और आप कहीं ना कहीं अपने एग्जाम से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। आप आराम से एक बैलेंस अप्रोच ले सकते हो और इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे लोग जो कि थोड़े महारथी हैं और उनको केवल एक टेस्ट सीरीज जैसा कुछ प्रोग्राम चाहिए और एक प्रॉपर डिसिप्लिन चाहिए तो वो ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फाइनल प्राइस ही 4999 है, इसमें 18% GST ऑलरेडी इंक्लूड है, मतलब कि इसका इफेक्टिव प्राइस अप्रोक्सीमेटली 4200 ही पड़ता है। यहां पर ये दोनों प्रोग्राम बहुत अलग है, इनका शेड्यूल आपस में भी डिफरेंट है, बट इन केस कोई ऐसा पर्सन है जो कि इन दोनों प्रोग्राम्स को ज्वाइन करना चाहता है तो उसको बहुत ही सिंपल सा एक मेथड लेना है। आप इस प्रोग्राम को इसके फुल प्राइस पर ज्वाइन करिए। जब आप इस वाले के लिए dpp.onlyias.in पर जा रहे होंगे तो आपको हमें एक मेल लिखना है अपने फी रिसीट के साथ कि मैंने ये प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया है, इसीलिए मुझे इस वाले प्रोग्राम के लिए एक कूपन कोड शेयर कर दीजिए। कूपन कोड शेयर हो जाएगा आपको और यहाँ पर जो इफेक्टिव कॉस्ट है वो आपका 3999 फाइनल पड़ेगा, मतलब कि जो स्टूडेंट दोनों कोर्सेज को साथ में ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए एक्स्ट्रा 1000 ऑफ इसलिए दिया जा रहा है ताकि उनके पॉकेट पर एकदम से प्रेशर ना आए। तो इस पूरे डिस्कशन को हम यहीं पर एंड कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी दुविधा बनी होती है जो कि इस वीडियो से क्लियर नहीं हुआ है तो आप हमें info@onlyias.com पर मेल कर सकते हैं या फिर हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।